हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और हमारा चाय नाश्ता सुबह हो चुका है और अब टाइम सुबह के 10 बज चुके हैं, तो मैं बनाने जा रही हूँ लंच। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ आज उड़द की दाल। तो इसके लिए मैंने ली है 1 कटोरी उड़द की दाल और आधा कटोरी चना दाल। दोनों भी मिक्स करके धोकर फिर मैंने कुकर में चढ़ा दिया है। और यहाँ पर रख दे रही हूँ चावल, क्योंकि साथ ही साथ सारे काम किचन में करने होते हैं। अगर एक एक करते रहोगे तो बहुत लेट हो जाएगा। तो मैंने ये इमली भी रखी थी पकने के लिए, तो इमली पक चुकी है। तो रख दिए चावल और इस वाले चूल्हे पर दाल पक रही है। तो यहाँ पर मैंने दाल को तड़का लगाने की तैयारी कर ली है। तो लहसुन छिलकर कूट लिया है और हरी धनिया भी काट ली है और इमली का पल्प भी निकाल लिया है। तब तक हमारी दाल भी पक चुकी है। तो दाल को मैंने लोटे में निकाल लिया है और इसमें डाला है हरी मिर्च जो मैंने भून कर कूट ली थी। और उड़द के दाल में हरी मिर्च ही डालनी चाहिए, लाल मिर्च डालने से टेस्ट नहीं आता है। बस हरी मिर्च ही डाले जब भी बनाए। तो मैंने यहाँ पर हरी मिर्च डाल दी है और उसके अंदर डाला है स्वाद अनुसार नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और इस रवि से इसे अच्छे से चला दूँगी। तो इस तरह से मैं रवि से अच्छे से मिला दूँगी इस दाल को। कुकर में नहीं मिल पाती है इसलिए मैंने लोटे में निकाल ली है। इस रवि से चलाने से एकदम अच्छे से दाल हमारी मिल जाती है। तो मैंने यहाँ पर दाल में डालने के लिए थोड़ा सा गर्म पानी रख दे रही हूँ कुकर में, क्योंकि ठंडा पानी डालने से उतना टेस्ट नहीं आता है दाल में। तो मैं गर्म पानी ही डालती हूँ। तो गरम पानी हमारा रख दिया है मैंने गरम होने के लिए। और ये जो दाल मैंने मिला कर ली थी उसे पतीले में निकाल लिया है। और ये देखिए गरम पानी भी हो चुका है, तो मैं ये लोटा धोकर इसी में डाल दूँगी। और जितना चाहिए उतना पानी मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये देखिए ऐसे बन चुकी है दाल। अब हम इसे फटाफट से तड़का लगा देंगे। और अभी तक इसमें मैंने इमली वाला पानी नहीं डाला है, जो इमली का पल्प निकाल कर रखा था, तो उसे हम बाद में डालेंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने ले लिया है 2 चम्मच ऑयल, उसमें डाला है आधा चम्मच राई। राई जैसे ही चटकने लगी तो इसके अंदर आधा चम्मच जीरा डालूंगी। जीरा राई चटकने के बाद इसके अंदर डाला है लहसुन। थोड़ा सा ज़्यादा लहसुन लिया था, क्योंकि इस दाल में थोड़ा सा ज़्यादा लहसुन डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो जैसे ही लहसुन भून गया तो इसके अंदर मैंने डाला है कटी हुई हरी धनिया, इसे भी मिला लिया है। और हमने दाल में हल्दी पाउडर मिलाई थी इसलिए इसमें बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है कलर के लिए, बहुत अच्छा कलर आता है। तो ये देखिए इसके अंदर डाली है, ये मिलाई है उड़द की दाल। अब इसके बाद में इसमें डालेंगे हम इमली का पल्प। और इस दाल में इमली का पल्प, हरी मिर्च बहुत मेन रोल है, ये चाहिए इसके अंदर, नहीं तो दाल हमारी अच्छी नहीं लगेगी। इस तरीके से बनाओगे तो उड़द की दाल बहुत टेस्टी बनेगी और आपके घर में बच्चे बड़े सब उंगलियां चाटते हुए खाएंगे इस दाल को, और आपको बार बार बनाने के लिए बोलेंगे। ज़्यादातर बच्चों को ये उड़द की दाल पसंद नहीं आती है, मगर इस तरीके से बनाओगे तो सब खाएंगे घर में। आप बनाकर देखिएगा ज़रूर। तो यहाँ पर मेरी रोटियाँ भी बन चुकी है और अब टाइम दोपहर के 2 बज चुके हैं, तो हमारा खाना लग चुका है। आ जाइए, अभी उड़द की दाल, चावल, रोटी सब है, आ जाइए। तो यहाँ पर खाना खाने के बाद मैंने कपड़े भी धो डाले हैं और ये बेडशीट भी चेंज कर ले रही हूँ। तो ये जो पहले की बेडशीट थी वो निकाल दी है मैंने और ये बेडशीट बिछा दे रही हूँ। और ये बेडशीट ना बहुत भारी है, धोने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, मगर इसका डिज़ाइन, इसके ऊपर जो फ्लावर बने हैं वो मुझे बहुत पसंद है। इसका कलर भी बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा धोने में परेशानी हो रही है। बिल्कुल पानी में ये डालो तो उठता ही नहीं है, इतना भारी बन जाता है। तो आप देख रहे हो ना कितनी सुंदर बेडशीट है, बहुत सुंदर है। इसके ऊपर के फ्लावर तो मुझे बहुत पसंद है। इसे धागों से बने हुए फ्लावर है, एकदम से इसे धोने से भी इसे कुछ नहीं होता है, कितनी बार धोई हूँ मैं, मगर इसका कलर भी नहीं गया है और इसके फ्लावर को भी कुछ नहीं हुआ है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी बेडशीट की। तो देखिए आपको कैसी लगी बेडशीट मुझे बताइएगा, है ना सुंदर।
हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आपने देखा था ना, मैंने किचन की क्लीनिंग कर दी थी और बाहर हॉल की, बेडरूम की सारी की क्लीनिंग हो चुकी है मेरी। बस ऊपर जीना बाकी है, जीना और ऊपर वाला रूम जहाँ पर बच्चे सोते हैं वो सब आज मैं कर दूँगी। और अब टाइम शाम के 4 बज रहे हैं। अब दिनेश भी आएगा तो वो भी थोड़ी सी मेरी हेल्प करेगा, तो इसी उम्मीद में बैठी हूँ आपको। तो फिर चलिए चलते हैं ऊपर वाले रूम में। तो यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं ऊपर वाले कमरे में। तो ये देखिए, यहाँ पर बच्चे सोते हैं। तो मैंने सब लेके आई हूँ मेरे साथ, जो मेरे औजार है वो झाड़ू, सुपली, जाली निकालने वाला झाड़ू सब लेके आई हूँ। तो यहाँ पर सारा सामान जो है वो एक साइड में कर लेती हूँ। सामान तो यहाँ पर कुछ नहीं रहता है, यहीं पर टॉवल वगैरह जो बच्चे हाथ पैर सुबह उठकर मुँह धोने के बाद पहुँचते हैं वही है। तो मैंने सारे रूम में अच्छी तरह से झाड़ू लगा दी है और सारा सामान अच्छे से लगा दिया है। और यहाँ पर ये जीना भी अच्छे से साफ कर ले रही हूँ, यहाँ पर जो चिड़िया है वो सब। और यहाँ पर टावर में थोड़ी सी जालियाँ लगी है ऊपर, तो ये भी मैं सारा साफ कर ले रही हूँ। और बहुत सारा कचरा निकला है तो दिनेश जाकर फेंक दे रहा है। तो यहाँ पर ये नीचे वाली जो चिड़िया है वो भी मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ, सारी ऊपर की हो चुकी है। अब बस ये नीचे वाली भी सारी मैं अच्छे से साफ कर लेती हूँ। और मुझे 8-15 एक बार ही टाइम मिल पाता है ये सब साफ करने के लिए। हर रोज़ रोज़ तो नहीं कर पाती हूँ मैं, क्योंकि घर में के बहुत काम हो जाते हैं, तो ऊपर जाकर सब झाड़ू मारना 8 के बाद ही कर लेती हूँ मैं। तो ये देखिए कितना सारा कूड़ा कचरा निकल रहा है। और यहाँ पर बाहर भी पोर्स में भी मैं अच्छे से साफ कर ले रही हूँ सब कुछ। ये जालिया भी निकल, जालिया तो नहीं है, बस साफ कर ले रही हूँ मैं, 8 में एक बार कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पर पूरे घर में, ऊपर का तो हो चुका है, यहाँ पर भी पूरे घर में मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ। यहाँ बेडरूम में, किचन रूम में झाड़ू लगा दी है, क्योंकि अब टाइम 5 बज चुके हैं। तो ये देखिए अभी कितनी अच्छी धूप है। तो यहाँ हॉल में भी मैंने सोफे के ऊपर के कवर भी निकाल कर अच्छे से झाड़ के फिर से बिछा दिए हैं। और यहाँ पर लगा दे रही हूँ झाड़ू। और झाड़ू होने के बाद मैं फ्रेश होकर चाय करके पी ली है मैंने। और ये पाइनएप्पल भी काट ले रही हूँ, इसमें सबसे मेन रोल इसको काटने का ही होता है। ये थोड़ा सा सख्त होता है इसके ऊपर के छिलके, तो थोड़ा सा टाइम इसमें लग जाता है। तो अब टाइम भी 6:15 हो चुके हैं शाम के। तो अभी दिया बाती तो नहीं की है मैंने, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा सा उजाला है, तो अभी धूप भी है अच्छे से। पहले ऐसे टाइम में क्या होता था, पूरा अंधेरा छा जाता था, मगर अब नहीं है, अब थोड़ी थोड़ी सी धूप रहने लगी है, क्योंकि दिन बड़ा हो रहा है। और ये चाकू भी उतनी धारदार नहीं है, इसलिए जल्दी से नहीं हो पा रहा है, ये नहीं निकल पा रहा है इसका छिलका। दिनेश कुछ स्कूल की बातें बता रहा है और बहुत हंसा रहा है, और बहुत मदद की है उसने आज मेरी, बहुत हेल्प की है। तो यहाँ पर सारा इसका छिलका मैंने ले लिया है और इसे काट ले रही हूँ। तो हम खा रहे हैं, आ जाइए आप भी पाइनएप्पल खाने के लिए, बहुत अच्छा खट्टा मीठा लगता है इसका स्वाद, बहुत पसंद है मुझे ये। बस इसी के साथ वीडियो को यहीं पर कर देते हैं एंड, और मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, न्यू आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही न्यू वीडियोस, न्यू ब्लॉग्स आपको डेली मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।